हेलो एवरीवन, वेलकम टू तदीज क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास फिफ्थ की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो है ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब अर्थ का एक मॉडल। तो आज के इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अर्थ के मॉडल ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल हम कहते किससे हैं, मॉडल का मीनिंग क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा टेंपल बनता है या अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा मॉडल तैयार किया जाता है। उसका मॉडल क्यों तैयार किया जाता है? ताकि हमें पता लग सके कि जो ये बिल्डिंग बन रही है या ये जो टेंपल बन रहा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी शेप कैसी होगी, इन सब चीज़ों का पता करने के लिए मॉडल बनाया जाता है। ऐसे हमारी अर्थ भी बहुत बड़ी होती है। हमारी अर्थ की भी स्ट्रक्चर, साइज, शेप, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, इन सब की लोकेशंस को भी पता करने के लिए भी अर्थ का भी एक मॉडल बनाया गया है, उसे हम कहते हैं ग्लोब। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर, ग्रेड एटसेट्रा। आज के इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर, ग्रेड, ये सब होते क्या हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अर्लियर पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो ये सोचते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है, वो बिल्कुल समतल है। दे थॉट दैट इफ दे ट्रेवल टू फार टू द एजेस दे वुड फॉल। और वो सोचते थे कि अगर हम उसके एजेस पर चले जाएंगे, एजेस का मतलब उसके किनारे पर चले जाएंगे, तो हम गिर जाएंगे। About 450 years ago, a Polish astronomer Copernicus changed this thinking. अब तकरीबन 450 साल पहले एक पोलिश के एस्ट्रोनॉमर थे। पोलिश ये एक जगह है, और एस्ट्रोनॉमर को हम कहते हैं जो सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स वगैरह इन सब की रिसर्च करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो उन एस्ट्रोनॉमर का नाम क्या था? कॉपरनिकस। उन्होंने उन सब लोगों की थिंकिंग को चेंज कर दिया। उन सब लोगों की थिंकिंग क्या थी? कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है। तो उन्होंने क्या बताया? He told that the earth is not flat but it is round. उन्होंने ये बताया कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो राउंड है। राउंड मतलब स्फेरिकल है। But nobody believed his idea. लेकिन किसी ने भी उनके आइडिया पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने जो तर्क दिया था उस पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। Ferdinand Magellan sailed around the earth in 1552 and became the first man to prove that the earth is round in shape. अब यहाँ पर एक एक्सप्लोरर आए, उनका नाम क्या था? फर्डिनेंड मैगेलन। इन्होंने भी हमारी अर्थ की बहुत सारी यात्राएं की 1552 में, और वो एक पहले ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है शेप में। फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट ऑल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड। अब जो हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट है, उनसे भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए गए हैं जिनसे हमें ये प्रूव होता है जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। The surface of the earth is very vast and it consumes a lot of time to travel to every part of the earth. अब जो हमारी अर्थ का सरफेस है, हमारी अर्थ की जो सतह है, वो बहुत बड़ी है, और अगर हम अपनी अर्थ की हर जगह पर जाएंगे तो हर जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। To study its surface, man has made a small model of the earth called a globe. हमारी अर्थ को स्टडी करने के लिए मैन ने एक उसका छोटा सा मॉडल बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। Look at the picture, it is a globe. अब जो ये हमारी पिक्चर दे रखी है, ये ग्लोब है। As you learned before that the globe is a model of the earth. अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल है। The earth is made up of land and water. अर्थ किससे मिलकर बनी हुई है? जमीन से और पानी से मिलकर बनी हुई है। About 30% of the earth's surface is land. हमारी अर्थ का सरफेस 30% तो लैंड से घिरा हुआ है, और जो बाकी बचा हुआ सरफेस है, बाकी कितना बचा? 70%। 70% किससे घिरा हुआ है? वाटर से। द ग्लोब शोज अस द शेप एंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड सीज ऑन ए स्मॉलर स्केल। अब जो ग्लोब होता है वो हमें क्या दिखाता है? कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस और सीज की लोकेशन और शेप दिखाता है, कि इनकी शेप कैसी है, ये कहाँ पर लोकेट करते हैं, ये कौन सी जगह पर हैं, कैसे आकार में है। It shows the shape and location of different countries. ये अलग अलग countries की location और shape दिखाता है। We can see only half of the globe at a time. हम एक बार में globe का आधा हिस्सा ही देख सकते हैं। आधा हिस्सा क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उसका आधा हिस्सा तो पीछे की तरफ होगा। अभी हमने आपको बताया था कि जो ग्लोब होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, जैसे हमारी बॉल होती है। जैसे अगर हमारी कोई बॉल रखी हुई होती है,
तो उसका जो हम सामने का हिस्सा होता है वो ही देख पाते हैं, बाकी का हिस्सा तो उसके पीछे होता है। जैसे हमारा ये ग्लोब है, अभी तो हम इसका सिर्फ सामने का हिस्सा देख पा रहे हैं और इसका बाकी का जो हिस्सा है वो पीछे है। टू सी द अदर हाफ वी हैव टू टर्न इट अराउंड, और इसका दूसरा हिस्सा देखने के लिए, पीछे का हिस्सा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको टर्न करना पड़ता है, इसको घुमाना पड़ता है। इट कैन बी टर्न अराउंड ए लाइन पासिंग थ्रू इट। अब हमारे ग्लोब में एक लाइन होती है जहाँ से हम ग्लोब को मोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये एक लाइन है, ऊपर और नीचे इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी, तो यहाँ से हम ग्लोब को मोड़ सकते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस, जो ये लाइन है इसे हम एक्सिस कहते हैं। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये रियलिटी में नहीं होती, इसे सिर्फ हम इमेजिन करते हैं। फास्ट फैक्ट, चलिए इसका एक फास्ट फैक्ट पढ़ते हैं। द अर्थ इज राउंड इन शेप, जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, शेप में गोल है। इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर, जो हमारी अर्थ है वो पोल्स पर तो थोड़ी समतल है और इक्वेटर पर थोड़ी बल्जेस है, बल्जेस मतलब फूली हुई है, स्फेरिकल शेप में है। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज टू एंड पॉइंट्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अभी हमने पीछे देखा था कि हमारी ग्लोब की एक्सिस के टू एंड पॉइंट्स थे, कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं, एक ऊपर यहाँ पर और एक नीचे। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल होता है हमारा ऊपर वाला और साउथ पोल होता है नीचे वाला। अनदर इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। अब एक दूसरी इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को दो आधे हिस्सों में डिवाइड कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ है, ये बिल्कुल बीच में होता है, आधा हिस्सा हमारा ऊपर हो गया और आधा हिस्सा हमारा नीचे हो गया। अब आता है हमारा लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है, लुक एट द ग्लोब यू विल सी फुल सर्कल्स। आप इस ग्लोब को देखिए, ये एक ग्लोब है, ये है इसके सामने का हिस्सा और ये है इसके पीछे का हिस्सा। अब यहाँ पर ये फुल सर्कल्स हैं, जैसे ये सर्कल है ये पीछे की साइड से पूरा फुल बन जाएगा, ये सर्कल है ये पीछे की साइड से पूरा फुल हो जाएगा, तो ये हमारे सर्कल्स हैं। ये कहाँ पर रन करते हैं, दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन कौन सी, हमारी यहाँ होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन और इधर की साइड को होती है वेस्ट डायरेक्शन, इधर से इधर की साइड रन करती हैं ये। दे आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इनको हम क्या कहते हैं, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, और हम इनको पैरेलल्स भी कहते हैं। पैरेलल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल मतलब समानांतर होती हैं, हर जगह इनमें सेम डिस्टेंस होता है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, अब हमारी लैटिट्यूड की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी होती है, इक्वेटर, और ये सभी लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स में सबसे लंबी लाइन होती है। इट रन्स इन द मिडल ऑफ द ग्लोब, ये सबसे लंबी क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे ग्लोब के बिल्कुल बीच से गुजरती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये बीच से गुजरती है तो ये हमारी अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है, टू इक्वल पार्ट में। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो चलिए हम आपको ग्लोब पर दिखाते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा है ऊपर की साइड, इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से नीचे का जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर। द पोर्शन विच लाइज इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने आपको बताया था कि हमारी अर्थ का वो पोर्शन जो इक्वेटर से नॉर्थ की साइड को लाई करता है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और द पोर्शन विच लाइज इन साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। जो पोर्शन इक्वेटर के साउथ में लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज। अब जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं या पैरेलल भी कहते हैं हम उनसे, ये किस पे मार्क की जाती हैं, डिग्रीज में। ये डिग्रीज में क्यों मार्क की जाती हैं, क्योंकि हमें ये बताती हैं कि कौन से एंगल पर कौन सा लैटिट्यूड है। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्वेटर। जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती हैं वो इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं। द इक्वेटर इज एट जीरो डिग्री। अब ये इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं तो हमारी इक्वेटर की कौन सी डिग्री होगी, जीरो डिग्री। यहाँ पर ये है हमारा इक्वेटर और ये है हमारी जीरो डिग्री। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ। अब ऊपर की साइड है हमारा नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर ये है 90 डिग्री, 80 से ऊपर 90 डिग्री, और नीचे है हमारा साउथ पोल, तो नीचे है 90 डिग्री साउथ। द पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर मार्क 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी पैरेलल्स हैं हम उनको कैसे मार्क करते हैं,
जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर की साइड है तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ऊपर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री नॉर्थ तक। नदर हेमिस्फेयर में हम नॉर्थ लिखते हैं बाद में एन। द पैरेलल्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर मार्क 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ एंड सो ऑन। जैसे नॉर्थ था तो हम वहाँ पर लिखते थे नॉर्थ, अब यहाँ पर साउथ है तो हम नॉर्थ की जगह लिख देंगे साउथ। जैसे हम 0 डिग्री से नीचे की तरफ साउथ की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, अब ये कहाँ तक पहुँचेगा 90 डिग्री साउथ तक पूरा हो जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। इट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर, ये नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नदर्न हेमिस्फेयर कौन सा होता है हमारा, ऊपर की साइड वाला। इट पासिस थ्रू 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये कहाँ से पास करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। 23.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ है हमारा, ऊपर की साइड, ये है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। जैसे ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर है 0 डिग्री, जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये इसकी संख्या भी बढ़ती जाती है, यहाँ पर हमारा आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आती है हमारी दूसरी पैरेलल, दूसरी पैरेलल कौन सी है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। इट इज स्मॉलर देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अभी हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये उससे छोटी होती है लेंथ में। बट इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एट 23.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की उल्टी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में था, ऐसे ये साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में है। ये जो हमारी लाइन जा रही है 23.5 डिग्री साउथ पर, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आती है हमारी थर्ड लाइन, थर्ड कौन सी है, द आर्कटिक सर्कल, इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इट इज़ लोकेटेड एट 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, अब ये कहाँ पर लोकेट करता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर है, ऊपर की साइड, ये जो है हमारा ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। अब आती है हमारी फोर्थ, फोर्थ कौन सा पैरेलल है, द अंटार्कटिक सर्कल। इट इज़ स्मॉलर देन द आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल से छोटी होती है। आर्कटिक सर्कल कौन सा था हमारा, ये ऊपर वाली, ये इससे छोटी होती है। बट इज़ लोकेटेड एट 66.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, ये आर्कटिक सर्कल की उल्टी होती है। अभी हमने पढ़ा था जो आर्कटिक सर्कल होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में था, अब ऐसे ही इसकी उल्टी है तो ये कहाँ पर होगी, 66.5 डिग्री साउथ में, ये है, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स पर, द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स विच जॉइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड्स हमारे सेमी सर्कल्स होते हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं। नॉर्थ पोल कौन सा है हमारा, ये, और साउथ पोल है नीचे वाला, तो ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं, जो ये लाइन है इन्हें ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। दीज आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस, इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस। देयर आर 360 डिग्री मेरिडियंस इन ऑल, अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो हमारी कितनी मेरिडियंस बनती हैं, 360 डिग्री मेरिडियंस। द मेरिडियंस पासिंग थ्रू द ग्रीन विच नियर लंडन इज टेकन एज द स्टार्टिंग लाइन, अब वो मेरिडियन जो ग्रीन विच से पास कर रहे हैं, ग्रीन विच क्या है, लंडन के पास एक जगह का नाम है, इज टेकन एज द स्टार्टिंग लाइन, वहाँ पर जो मेरिडियन है उसे हम स्टार्टिंग लाइन कहते हैं, वहाँ से मेरिडियंस को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जहाँ से हमारी मेरिडियन शुरू करती हैं, कहाँ से शुरू करती हैं, ग्रीनविच से। इट इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी मेरिडियन शुरू होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, अब ऐसे लॉन्गिट्यूड्स जो ग्रीनविच के ईस्ट में होते हैं, ईस्ट कहाँ पर है हमारी, इधर की साइड होती है हमारी ईस्ट, तो ये है हमारा ग्रीनविच, 0 डिग्री पर है ग्रीनविच। ग्रीनविच के ईस्ट पर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, इधर की साइड को जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। एंड दोज टू द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और ग्रीनविच के वेस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, हमारे पूरे कुल मिलाकर कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू द ईस्ट।
180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? ग्रिड। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क। अभी हमने इस चैप्टर में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एंड फॉर्म अ नेटवर्क, और उससे एक नेटवर्क बन जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो कौन सी लाइन होती हैं, जो हमारी अर्थ के हॉरिजॉन्टल में लाई करती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती हैं, जो हमारी अर्थ के वर्टिकल में लाई करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल में लाई करती हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड द ग्रिड। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इससे एक नेटवर्क बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड। द ग्रिड हेल्प्स अस इन लोकेटिंग प्लेस ऑन द ग्लोब। अब जब ये ग्रिड बन जाती है तो इससे हमें क्या मदद मिलती है? हम ग्लोब पर कोई भी प्लेस लोकेट कर सकते हैं, कौन सा प्लेस कहाँ पर है ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू लोकेट पुडुचेरी लॉन्गिट्यूड, द प्लेस वेयर दीज टू क्रॉस ईच अदर इज पुडुचेरी। अब अगर हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पुडुचेरी का, हमें पुडुचेरी लॉन्गिट्यूड को लोकेट करना है ग्लोब पर, तो हम वो कैसे करेंगे? अब जैसे हमारा ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, अब ये जहाँ पर क्रॉस करेगा तो उससे हम पता लगा लेंगे कि जो हमारी पुडुचेरी है वो जगह कहाँ पर है। इसी तरीके से हम ग्लोब पर किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप सब इसको दोबारा से ध्यान से पढ़ना और दोबारा से रिवाइज करना। थैंक यू।